हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 में हम जकेयुस नामक एक धनी नाकेदार को देखते हैं, जिसके पास तमाम धन संपत्ति थी, परंतु उसके हृदय में शांति का अभाव था। वह ईसा को सिर्फ देखने के लिए तरस रहा था। Yes, Lord. उसका कद छोटा होने की वजह से वह एक गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है, क्योंकि ईसा उसी रास्ते से जाने वाले थे। Yes, Lord. वहां काफी भीड़ थी, पर ईसा जानते थे कि कौन सी आंखें उनके लिए तरसती है। वह उस जगह पर पहुंचकर अपनी आंखें ऊपर उठाकर जकेयुस से कहते हैं, जकेयुस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। Yes, Lord. वह तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत करता है। Yes, Lord. हाँ प्यारे विश्वासियों, इस समय हम भी जकेयुस के समान ही हैं, जो अपना सब कुछ छोड़कर ईसा को यहाँ देखने आए हैं। Yes, Lord. कई बार हम प्रभु को देखने के लिए और उन्हें पाने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास करते हैं। कई बार हम हमारे महत्वपूर्ण कार्यों और वस्तुओं को प्रभु के लिए छोड़ देते हैं। Yes, Lord. परंतु प्रभु को दिया समय कभी व्यर्थ नहीं होता। Yes, Amen. आज प्रभु आप सभी को आशीष देते हुए कह रहे हैं, आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। Yes, Lord. आइए हम भी जकेयुस के समान आनंद के साथ प्रभु का स्वागत करें, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि कौन सी आंखें, कौन सा हृदय, कौन सी आत्मा उनके लिए तरसती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। तरसाए जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा। हाँ प्रभु, जैसे मेरी जलधारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। सारे जीवन मेरा पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा ईश्वर की, मन मेरा तुझको है प्यासा। We welcome you, Jesus. आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। Yes, Lord. आजा तू आजा, दिल में हो बास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। हाँ प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम प्यार, शांति और खुशियां ढूंढते ढूंढते किसी व्यक्ति या सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं और अपने आप को उसके अधीन कर देते हैं। Yes, और इन सभी में हम यीशु को भूल जाते हैं, जो हमारे लिए तरसते हैं। और इन सभी जगहों पर ढूंढने पर भी हम वो प्यार, वो शांति नहीं पाते, जो हमें प्रभु की शरण में आने से प्राप्त होता है। Yes, क्योंकि वचन बहुत ही खूबसूरती के साथ कहता है, ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार कर सकता है। हाँ प्यारे विश्वासियों, इस आनंद और शांति की तुलना समस्त सांसारिक वस्तु या व्यक्ति मिलकर भी नहीं कर सकते। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में लिखा है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वो सारा संसार भी प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। हाँ प्यारे विश्वासियों, क्या लाभ होगा अगर हम सारा संसार प्राप्त कर लें पर यीशु को गवा दें। इस वचन को हम हमारा आधार रखते हुए आइए हम मिलकर यीशु से कहें, प्रभु मैं तेरे सिवा पृथ्वी पर कुछ नहीं चाहता। Yes, Lord. तू मेरे लिए सब कुछ है प्रभु। आमीन।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. नाम है सारा जहां, हाँ प्रभु, पाया न तुझको, सारा जहां ढूंढ लिया प्रभु, पर तेरे जैसा किसी को नहीं पाया। शरण में आया यहां, पूरे करो मेरे अरमान। नाम है सारा जहां, पाया न तुझको, शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरा। आइए हम प्रभु से कहें, प्रभु आकाश को खोल कर मेरे लिए उतरा, ऊपर से अपना हाथ बढ़ा कर मुझे बचा प्रभु। दर्शन प्यारे विश्वासियों, मैं आज आप सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ जो इस समय नित्य आराधना में भाग लेते हैं, क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है जब आप लंबे समय से दर्द, दुख, तकलीफ सहते सहते टूट जाते हैं कि हम अकेले हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला, हमारी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। आज आप में से हर एक से प्रभु इस वचन के द्वारा कह रहे हैं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे, देखो मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। आमीन। तुमने अभी जिस बात के लिए प्रार्थना की मैं वही करूंगा, क्योंकि तुम मेरे कृपा पात्र हो और मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि वचन यह भी कहता है कि मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरी आंसुओं का लेखा तेरे पास है। यस लॉर्ड। आइए हम हमारे सारे दर्द, बीमारियां, आंसुओं और परेशानियों को प्रभु के नाम पर विश्वास रखते हुए उसकी महिमा के लिए समर्पित करें। हम सब कुछ समर्पित करते हैं यीशु, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। क्योंकि वचन कहता वह दुखियों को दिलासा देता और उनकी घावों पर पट्टी बांधता है। सबका विधाता है तू, दुखियों का दाता है तू, सहारा नाथों का तू, मार्गम सत्यम जीवन है तू, सबका विधाता है तू। हाँ प्यारे विश्वासी, यीशु आ रहे हैं आपके लिए, आपको थामने, आपको गले लगाने, आपको चंगा करने, आपको बचाने और मुक्त करने। आइए हम हमारे हाथों को खोलते हुए उसका स्वागत करें, हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, हमारे हर उस भाव में जिससे हमें तकलीफ होती है, हमारे दर्द, दुख, तकलीफों में, हमारे संपूर्ण जीवन में। हाँ प्यारे विश्वासियों, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहे हैं, बस सब कुछ अपने अधीन कर लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया,
विश्वासियों, आनंद मनाइए। आज आपके घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। क्योंकि जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। प्रेज यू जीसस।